दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी के बुटीक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फोर टक्स ब्लाउज के कटिंग। ब्लाउज से नाप लेना भी सिखाएंगे और फोर टक्स ब्लाउज कटिंग करना भी सीखेंगे नाप लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज को ऐसे रख लिया हूँ। सबसे पहले लंबाई नाप लेंगे। लंबाई हमारा है 11 इंच का और गोलाई है इसका 12 इंच का। तो यहाँ पर 11 और गोलाई 12, ये हो गया। अब इसके बाद से इसका गला नाप लेंगे कि गला कितना आगे आ रहा है। आगे वाला गला है 7 इंच का, 7 गला है, ठीक। ऐसे ही नापना है 7 गला। ऐसे क्रॉस में रख सक नाप सकते हैं या ऐसे इसके लाइन में ऐसे रख के टेप को नाप सकते हैं, सीधा ऐसे भी नाप सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमारा 7 इंच का आ रहा है, ये हो गया। अब यहीं से चेस्ट पॉइंट नाप लेंगे। ये देखिए चेस्ट पॉइंट जो होता है ये नाप लेंगे, हमारा है 10 इंच का। तो चेस्ट पॉइंट जो है ये 10 इंच का है, ठीक है। अब इसके बाद से ब्लाउज को ऐसे रख लेंगे। ऐसे रखने के बाद अब क्या करेंगे, ब्लाउज का बैक गला नापेंगे कितना आ रहा है। देखते हैं गला कितना, पीछे वाला, पीछे वाला जो गला है वो है 8.5 इंच का। बैक गला कितना है 8.5 इंच का। एकदम ऐसा ही नापना है, सेम बैक फ्रंट का सेम ही सेम नापना है ऐसे, ये हो गया। अब इसका नापेंगे लंबाई कितना है इसका। तो लंबाई है 15 इंच का, ब्लाउज लंबाई 15 का है, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, ब्लाउज को फिर से ऐसे रख लेंगे और नाप लेंगे ये चेस्ट कितना आ रहा है। बटन पूरा लगाने के बाद नापना है, ये देखिए चेस्ट नापना है। चेस्ट है 39 का चेस्ट है, ठीक है। कितना है 39 आ रहा है। ऐसे नाप रहे हैं तो 19.5 आ रहा है, 19.5 का डबल है ना, आगे वाला भी इतना ही है पीछे वाला इतना है, तो होगा 39 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया चेस्ट 39 इंच, ठीक। अब कमर नापना है, कमर कितना आ रहा है। कमर नापना है तो कमर को पूरा खोल लेंगे। ऐसे पूरा खोलने के बाद ऐसे पकड़ना है एक ही बार, ऐसे नाप लेना है। कमर है 36 इंच का, ठीक है। तो आप लिख देंगे 36, ठीक है। तो हमारा ब्लाउज का नाप हो गया है। एक काम लास्ट में करेंगे, ये शोल्डर पट्टी कितना चाहिए आपको सिखाते हैं कि कितने इंच का चाहिए। इसको ऐसे रख कर सिखाएंगे और नहीं ऐसे रख कर सीखना है तो तरीका बहुत सारे हैं, तो ऐसे रख के आप नाप सकते हैं। शोल्डर पट्टी जो है 2.5 इंच का आ रहा है तो 2.5 इंच भी रख, 2.5 इंच भी रख सकते हैं, मगर रखना कैसे है अभी सीखते हैं कटिंग में। ये हमारा नाप लेकर हो गया है, इसको रखते हैं यहीं पर, ये देखिए। अब लंबाई था हमारा 15 इंच का, तो रखेंगे हम यहाँ से 16 इंच पे मार्किंग करेंगे। और एक नाप और लेना भूल गए थे, वो भी ले लेंगे, आर्म होल का। आर्म होल का पीछे वाला साइड जो है ऐसे नापेंगे इसको कितना आ रहे, देखते हैं। ये नाप लेना हम लोग भूल गए थे, एक बार ये भी देख लेना कितना आ रहा है। ऐसे अच्छे से रख लेना है, रखने के बाद इसको यहीं से इंची टेप ऐसे ऊपर ऐसे रखना है और ऐसे ऐसे घुमाते रहना है टेप को, एकदम जो सिलाई चला हुआ है एकदम शॉर्ट कर ऐसे घुमाते रहना है। अब लास्ट में आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको ऐसे कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा 9 इंच का आ रहा है आर्मोल, मतलब 18 इंच का आर्मोल है, ठीक है। चलिए सीखते हैं। 15 लंबाई था तो मैंने यहाँ 16 लिया है, ठीक है। 1 इंच बढ़ा लिया है, क्योंकि आधे जाएगा, आधे इंच जाएगा ऊपर आधे नीचे जाता है फोल्ड करने में। और ये हमने किया है 6.5 पर मार्किंग, इधर भी सेम कर लेंगे 6.5 और 16 इंच, ठीक। अब ये पट्टी लेंगे, ये मार्किंग कर लेंगे दोनों सीधा। अभी हम रखेंगे
गले चौड़ाई जो है 5 इंच का है, रखने हम लोग रखते हैं तो 5 का होता है अढ़ाई होता है आधा, तो अढ़ाई पे रख देंगे ये, इधर भी रखेंगे अढ़ाई पे। अब देखिए तरीके बता रहे हो कितना रखना है, ये जो पट्टी है ऐसे ले लेना है, मगर इसमें से हम यहाँ से कट करते हैं ना, दबाव दबाव यहाँ जाएगा इतना, इतना मार्किंग कर लेंगे 2 सूत का, फिर यहीं पर ऐसे रख देंगे इस पट्टी को, शोल्डर की पट्टी को जहाँ पे बाहें लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे, ठीक ये हो गया मार्किंग, और ये दबाव के लिए ये मार्किंग बाहें लगाने के लिए इतना लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रेट जितना ये है नाप का था उतना ये भी आ जाएगा, एकदम परफेक्ट कट टू कट आ जाएगा। ये देखते कितने का, ये हमारा आ गया 11.5 इंच का, मतलब 5.5 सूत का है ये 11.5 हो जाएगा डबल इसका, तो सेम इधर भी इतना ही रख देना है ऐसे। अब इसके बाद से हमको चेस्ट था हमारा चेस्ट था 39 इंच का था 39 का, तो 39 का चौथा भाग होगा हमारा 10 इंच में 2 सूत कम, यानी 9.5 इंच 2 सूत 39 का चौथा भाग, ठीक है हम लिख देंगे 39। कमर था 36 इंच का, तो 36 है तो इसका चौथा भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 चौके 36, तो 9 यहाँ पे एक कमर हो गया, और यहाँ पे 1 इंच में 2 सूत कम डाट लगाने के लिए, ठीक ये हो गया। तो हमको ऐसे मार्किंग करना है सीधा, इसको भी सीधा कर लेंगे, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे इसमें, इसके बाद से फिर ये भविष्य में लूज टाइट करने के लिए मार्जिन रख दिया हूँ। अब यहाँ से इसको इस लाइन से 1 इंच इधर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब इसको इधर ऐसे रखेंगे, मार्किंग कर लेंगे ऐसे, ये मार्किंग होने के बाद इसको गोलाई देंगे, गोलाई देना कैसे है, इसी मार्किंग से 1.5 इंच ऊपर ऐसे ले लेना है ये मार्किंग, ठीक है। बैक फ्रंट दोनों का यहीं से हम लोग गोलाई देंगे, देखिए ऐसे रखेंगे ऐसे घुमा देंगे, ठीक। अब इसको नापते हैं कि कितना आ रहा है, हमारा आर्मोर 18 था वो भी 9 इंच आया हुआ था नाप के बेस घुमा के नापे तो वहाँ पर, तो ये भी हमारा 9 इंच का ही आना चाहिए, ये देखिए हमारा परफेक्ट 9 इंच का यहाँ पर आ चुका है, ठीक। और फ्रंट वाले आर्मोर को गोलाई देंगे, मगर इसमें दिखा रहा हूँ आपको कैसे देते हैं, ये देखिए सिर्फ दिखाने के लिए मैं मार्किंग किया हूँ, इसमें कट नहीं करेंगे हम लोग, फ्रंट वाले पार्ट में एक गहराई निकालेंगे आर्मोर का, ठीक है। फिलहाल बैक वाला काटते हैं, कैसे काटते हैं देखिए ऐसे काटेंगे, ठीक ये हो गया, और यहीं से ऐसे काट लेंगे, ठीक यहाँ पर लगा देंगे चेस्ट का चटका, और यहाँ पर कमर का, कमर है 36 इंच का, ठीक। और यहाँ पर गले की चौड़ाई का ऐसे, और यहाँ ऐसे करके लगा देंगे हम लोग चटका बैक डाट का, ठीक है। बैक डाट का चटका कैसे लगाते हैं, मार्किंग कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं, ये देखिए ऐसे नापेंगे, 10 का था ना हमारा चेस्ट पॉइंट, तो 10.5 से मार्किंग करते हैं ऐसे, ठीक हो गया। अब इसको लेकर यहीं से ऐसे कर देंगे मार्किंग, हो गया। अब इससे ही फ्रंट कट करेंगे, मगर फ्रंट कट करने से पहले इस नाप वाला जो बेल्ट है, तो बेल्ट कटिंग कैसा करना है वो भी सीखते हैं। ये जो बेल्ट है ये देखिए 2 इंच का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले यहाँ से हल्का सा एक कट करते हैं, थोड़ा सा छोटा बड़ा है ये सीधा कर लेते हैं, सीधा हो गया। अब यहीं से 2.5 इंच पे मार्किंग लगाना है, और इधर भी 2.5 इंच पर एक मार्किंग लगाना है। अब इन दोनों को सीधा कर लेना है, सीधा हो गया। अब यहीं से आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, अब यहीं से क्या करेंगे हम लोग ऐसे 1 इंच ऐसे ऊपर लेंगे, और इसका गोलाई देंगे ऐसे बेल्ट के लिए, हल्का सा कर्व दे देंगे, ठीक है ऐसे कर्व दे देंगे। अब बेल्ट हमारा इसको इसी से बेल्ट कटिंग करेंगे, तो बेल्ट कटिंग ऐसे काटना है देखते हैं, इस कपड़े को ऐसे बिछा लेंगे, अब इसको उठाकर इसके ऊपर ऐसे
रख लेंगे, तो इसको ऐसे मार देंगे ऐसे करके। मारने के बाद पहले उठाएंगे नहीं, पहले इस पे ही ऐसे कट करते हैं, फिर नीचे से हम लोग कट करते हैं ऐसे, और फिर यहाँ से भी थोड़ा सा ऐसे कट कर लेते हैं। ध्यान रहे कि बैक ना कटे। अब इसको हटा लेंगे, हट गया। आप लोग दिख रहा होगा कि ये मार्किंग जो है यहाँ पर आ गया है, तो इस मार्किंग के ऊपर नहीं कट करना है, इसको छोड़ना है आधे इंच दबाव के लिए, फिर कट करना है। इस मार्किंग छोड़कर हम लोग कट करते हैं। देखिए ये देखिए, दबाव के लिए छोड़ देना है, फिर कट करना है। ये हमारा हो गया बेल्ट, और बैक से ही फ्रंट पार्ट कट करेंगे, ये भी सीखते हैं। ऐसे रख लेना है, ऐसे रखने के बाद इस बैग को ऐसे रख लेना है, इस तरीके से रख लिया। अब इसके बाद से एक पट्टी लेना है, और इस बाजू को है सीधा लाइन मारना है, ऐसे लाइन मार देना है, ठीक है। और इधर से भी एक लाइन ले लेंगे, और यहाँ से भी सीधा ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से इधर बराबर कट करेंगे, बैग के जितना बैग कटिंग हुआ है वैसा ही कट करेंगे, और आरमोल के चिपक के कट करना, जो आरमोल है इसको चिपक के कट करने का है, और फिर यहीं से ऐसे ऐसे ये दो इंच इधर भगा कर कट करना है। यहाँ पे मैं क्यों बढ़ाया, आधा इंच मैं बताऊंगा आपको अभी। ये हो गया, और फिर से इसको भी कट करना है। हुक लुक की पट्टी का दबाव छोड़ना है, इस मार्किंग में काटना है, दबाव छोड़ना है हुक लुक की पट्टी के लिए। आधा इंच का छोड़िए, 3 इंच छोड़िए, उससे ज्यादा मत छोड़िए। ये हो गया, ऐसे कट हो गया। अब क्या करते हैं, इसी मार्कर से ये जो हमने मार्किंग किया है वह है बैक जो फ्रंट वाले आर्मल की गहराई का, इसको पहले से मार्किंग कर लेते हैं यहां से इसे इसे, ठीक है। ऐसे मार्किंग कर लेंगे, अब इसको हटा लेते हैं। मगर हटाने से पहले हम यहां पर रखकर चेस्ट जो पॉइंट मार्किंग लगता है उस चेस्ट पॉइंट का सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए हमें मार्क पर किया ना, मारेंगे 36 पे किया हम, तो इसको उठाकर इस पे ऐसे रख लूँगा, फोल्ड कर लूँगा, फिर जितना बचे यहाँ पर जहाँ पाएगा वहाँ पर मार्किंग कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको हटा लेंगे, ये मार्किंग हो गया, इसको सीधा मार्किंग कर लेंगे। सीधा मार्किंग करने के बाद इसको पहले छोड़ते हैं, पहले कर लेते। चलिए कितना हमारा चेस्ट पॉइंट कितना था, 10 इंच का, तो इसको हम रखेंगे 10.5 पे इधर, ठीक है। सीधा मार्किंग लेते हैं, अब क्या करते हैं, इधर पहले गहरे पहले निकाल लेते हैं इसका, जो इधर मार्किंग देख आ गया है, आप लोग मार्किंग करके मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसे देखिए दिख रहा है हमारा गहराई है फ्रंट आर्मोल का। अब इसको कट कर लेते हैं, ये देखिए, ये निकालना बहुत जरूरी होता है, इन्हें निकालेंगे तो फ्रंट आर्मर के पास में झोल पैदा करता है। अब देखिए, अब हमारा जो है ये मार्किंग किया है यहां से, एक इसको सीधा खींच लेंगे ऐसे नीचे, सीधा हो गया, खींच लिया इसको। अब क्या करना है, इसमें इसी में जो है हमारा है, इसी में हम लोग 1.5 इंच का और मार्किंग करेंगे, और मार्किंग कर लेंगे सीधा इसको, ठीक है। सीधा हो गया, अब यहीं पर इसमें हम 2 इंच का डॉट लगाएंगे यहाँ पर, तो इस मार्किंग से 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, ये 2 इंच का आ गया। अब इसके बाद से इसको ऐसे ऐसे मिला लेंगे इसको, ये हो गया, ये हमारा मेन डॉट हो गया, ठीक है। अब इसी सेंटर से करेंगे इधर 1.5 इंच और इधर 1.5 इंच, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इधर इधर लाख मिला देंगे ऐसे, इधर मिला सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इधर ऐसे मिला देते हैं, ठीक। ये हमारा होगा साइड डॉट, और ये हो गया हमारा सामने का डॉट, ये हो गया हमारा मेन डॉट, ये आर्मोल डॉट यहाँ पर लगाएंगे। यहीं से इसको ऐसे कर लेंगे और मार्किंग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब यही से 1.5 इंच ऊपर मार्किंग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। मार्किंग हो गया,
अब ये काम और करेंगे, अब इसको जो है इसमें सीधा मिलाएंगे ऐसे, कैसे ऐसे, इसको सीधा नहीं काटेंगे ऐसे काटेंगे, क्योंकि जो क्या है इसमें जो है ऐसे घुमा दिया गया है, ठीक है, सीधा ऐसे कट कर लिया, फिर इसको भी सीधा ऐसे कट कर लिया और यहाँ पे सीधा मार दिया ऐसे, हमारा फ्रंट कटा है। और देखिए यहाँ चटका लगा देंगे, यहाँ चटका लगा देंगे, चटका यहाँ पर भी लगा देंगे और साइड में भी लगा देंगे, आर्म होल के पास में लगा देंगे। अब हम नीचे बढ़ाए थे यहाँ पर, इस लाइन से डेढ़ इंच बढ़ाया है, तो डेढ़ इंच बढ़ा है तो आधा इंच इसमें चला जाएगा। जब बेल्ट लगाएंगे यहाँ पर, जब बेल्ट यहाँ पर लगाएंगे तो आधा इंच दबा जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें जाएगा आधा इंच, जो छोड़ के लोग इसमें जाएगा, इसमें जाएगा दबा जाएगा आधा इंच, ठीक है, इसमें बचेगा एक इंच, उस एक इंच का हम लोग यहाँ पे डाट लगाएंगे एक इंच के यहाँ, ठीक। आधा इंच हमने यहाँ बढ़ाया था, आधा इंच डाट यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ नहीं बढ़ाया था मगर यहाँ पर डाट लगाना पड़ेगा आधा इंच का, यहाँ भी आधा इंच लगाना पड़ेगा, फिटिंग अच्छे से बैठेगी तो क्या होता है यहाँ पर फिर सामने जो यहाँ पर ऐसे फूला नहीं लगता है, ठीक है, डाट मारने से एकदम चकाचक फिटिंग आता है। ये हो गया, इसमें हम गला कट कर लेंगे हम लोग, गला था हमारा कितना 7 इंच का, तो 7 इंच मार्किंग कर देंगे, सीधा ऐसे खींच लेंगे, ऐसे कर लेंगे, गला गोली कटे करना हम लोग को, गोली ड्राइंग कर लेंगे और गोल गला इसमें कट कर देंगे, ठीक है, हमारा ये फ्रंट हो गया। अभी देखिए हमारा जो हमारा इतना बढ़ रहा है इतना, इसको हम लोग यहाँ डाट मारेंगे, ये देखिए यहाँ ऐसे करके जब यहाँ से जैसे डाट मार देंगे तो ऐसा आ जाता है, जैसे इसका आकार है वैसे ये भी आ जाता है डाट लगाने के बाद, ठीक है, ये देखिए ऐसा आ जाता है। तो हल्का सा आधा जो है यहाँ पर हम लोग को शर्ट ऐसे कट करना पड़ेगा, जब ऐसा चलिए हम एक कट करके इसको ऐसे कट हो जाएगा ऐसे, ये इधर दिख रहा है, जब डाट लगाएंगे तो एकदम सीधा हो जाएगा, ठीक। ये हमारा था फ्रंट वाला पार्ट, इसको वैसे क्या करेंगे ऐसे ड्राइंग कर लेंगे, ड्राइंग होते इसको मार्किंग मारेंगे तो उस बाजू जो है पीछे बाजू भी छूट जाता है मार्किंग से, इधर ही मारते हैं सेंटर में डॉट, फ्रंट बेल्ट और बैक, ठीक है। अब बाही काटेंगे, बाही भी काटना बहुत सीखना बहुत जरूरी है, बाही की परफेक्ट कैसे कटिंग होता है ये भी इस कटिंग में सीखते हैं। ये हमारा कितना आया था 9 इंच आया हुआ था, ठीक है, हमने बैक नाप लिया है 9 इंच का, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि आर्मोर कितना आया था बैक का 9 आया था तो उसको ध्यान में रखना है। इस कपड़े को ऐसे कर लेना है, ऐसे करने के बाद सबसे पहले इसको सीधा करना है कट करके, ये देखिए ठीक सीधा हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को 1.5 इंच का ऊपर मार्किंग करना है, देखिए यहाँ से 1.5 इंच ऊपर ऐसे मार्किंग करना है। ये हमारा सादा ब्लाउज है, ये अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, इसको हमारा सिलाई इसमें रखना पड़ेगा, हाथ सिलाई आधे इंच में फोल्ड कर देंगे, बाकी 1 इंच का पट्टी हमारा हाथ से लेकर आ जाएगा 2 रुपये करने का, ठीक है। अब भाई हमारा लंबाई कितना था 11 इंच का, देखिए तो हम लोगों ने 11 यहाँ से इस लाइन से ऊपर 11 रख दिया है, ये 11 हो गया और ये दबाव के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये मार्किंग हो गया हमारा, ठीक है, सीधा खींच लेंगे। मैंने यहाँ से यहाँ 3.5 इंच का लिया है, ठीक है। अभी हमारा था 12 इंच का गोलाई, तो 12 का आधा होगा 6 पर रख देंगे, यहाँ लिख देंगे 12, ये हमारा आर्मोल पीछा वाला 9 इंच आया हुआ था तो इसको भी हम 9 इंच रखना पड़ेगा यहाँ से, ऐसे 9 इंच यहाँ पर ऐसे रख लीजिए, जहाँ पर 9 इंच आ रहा है इस लाइन पे, जहाँ पर 9 आएगा ऐसे 9 इंच रखना है, इस बात को ध्यान रखें, फिटिंग बाहें का एकदम चकाचक आएगा, छोटा बड़ा बाहें नहीं होगा। इसको ऐसे मिला लेंगे और ये हमारा भविष्य में लूज टाइट करने के लिए ये रख दिया, हम यहाँ से कटिंग करेंगे इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे चटका लगा देंगे और फिर यहीं से इसको
कट कर देंगे, ठीक। यहाँ भी चटका लगा देंगे और इधर भी लगा देंगे। अब इसका फ्रंट, बाहीं का फ्रंट और लेफ्ट पार्ट का ये गहराई कैसे निकालते हैं बाहीं का, वो भी सीखते हैं। गहराई निकालने के लिए हमको क्या करना है, इस सेंटर से एक इंच मार्किंग कर लेना है, इसे दूरी एक इंच मार्किंग करना है, दूरी बनाकर। और फिर ऐसे ही यहाँ से ऐसे आप लोग देखिए ठीक से ऐसे मार्किंग कर लेना है। और इस मार्किंग ऐसे करके फिर इसके ही ऐसे कट कर देना है, ठीक है। ये अच्छे से देंगे, ये हमारा कट गया। अब ये कट होने के बाद फिर से इसको ऐसे ही कर लेंगे। अभी बैक वाले साइड में इधर भी हल्का सा कुछ हल्का हल्का मार्किंग करेंगे और अच्छे शेप में इसको लेकर आएंगे। देखिए मार्किंग क्या हूँ मैं, उस पर ही कट कर लेता हूँ। ये देखिए हो गया। तो यही तरीका होता है बाहें काटने का, परफेक्ट तरीका, ठीक है। अब इसको बैक पे रख के दिखाता हूँ, बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होता है, एकदम एक नंबर बराबर यहाँ बैठता है। देखा दूँ इसको ऐसे ऊपर रखना है, छोड़ के नहीं रखना है, एकदम ऊपर रखना है ऐसे ही। देखिए आप लोग देख रहे हैं एकदम परफेक्ट वहीं पे आ गया है, ये देख लीजिए, ठीक है, एक भी उधर इधर उधर नहीं गया है। तो ये था हमारा बैक, ये था हमारा फ्रंट, ये हमारा इसका बेल्ट और ये बाहें और इसका इधर साइड का ज्वाइंट। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए मास्टर जी रोबोटिक को। मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही वीडियो में, और कुछ नहीं तो कमेंट कर सकते हैं। तब तक नमस्कार।